नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग रिलेटेड हो, सब इशू में हम करते हैं शामिल। आप भी कल का बाजार में आपके अपने इक्विटी स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका एक बार फिर से, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप व्हाट्सएप कीजिए हमें अपना सवाल 7045220000, और ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं लाइव ये शो। साथ ही अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #askawaz लिखकर फेसबुक और ट्विटर दोनों पर ही। हमारे साथ आज है हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। आस्था नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली रिकैप लेकर आते हैं मार्केट का और उसके बाद स्ट्रैटेजीज भी लेंगे। आज लगातार दूसरा दिन था जब बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। शुरुआत हालांकि मार्केट की आज थोड़ी सी मंदी हुई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा बिल्डअप बनते हुए दिखाई दिया। ऑल दो दिन के हायर लेवल से थोड़ा फिसल कर ही मार्केट की क्लोजिंग हुई है। निफ्टी दिन भर 19800 के ऊपर टिका रखा, आखिर में 19776 पर बंद हुआ। आज मिड कैप स्मॉल कैप्स में इंट्राडे में हमने रिकॉर्ड स्तर बनते हुए देखे। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 52 हफ्तों की ऊंचाई पर रहा। आईटी इंडेक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिली। 2-4 पॉकेट्स थे जो लेगार्ड थी आज के सेशन, जिसमें पावर, मेटल्स और बैंक स्टॉक्स है। बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट लाल निशान में फिसला आखिरी के कुछ मिनटों में, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया और 40 अंकों की फाइनली गिरावट के साथ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई। इंपॉर्टेंट ये है, FIIs जो लगातार बिकवाली कर रहे थे उनकी ओर से थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आना शुरू हुआ है कैश मार्केट में। कल भी खरीदारी के ही फिगर से आज भी FIIs ने खरीदारी की है 957 करोड़ की। तो ये तो रहे अब तक के स्टैटिस्टिक्स। कल कैसा खुल सकता है बाजार, क्या रेंज रह सकती है, इस पर ले लेते हैं आस्था का कॉमेंट और उसके बाद आपके सवाल। आस्था बताइए, कल के लिए क्या आउटलुक है मार्केट पर? जी बिल्कुल, गुड इवनिंग दीपाली। देखिए जिस तरह से आज निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज दिया है, मेरे हिसाब से निफ्टी अभी भी अच्छी तेजी में हमें आगे जाता हुआ भी देखने को मिलेगा। निफ्टी में जो नेक्स्ट लेवल अब हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे बन रहे हैं 19840 या 70-80 पॉइंट की एक तेजी और हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सलाह यही रहेगी कि कोई भी गिरावट आती है 19740-750 के स्तर पे तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी निफ्टी को। 840 के अल्टीमेट टारगेट के लिए स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो तकरीबन यहाँ से थोड़ा 670 के आसपास का रखा जा सकता है। तो 19670 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है निफ्टी को 840 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए तो ये तो रहा आउटलुक। अब बात करते हैं सवालों के। सद्दाम हुसैन पहले कॉलर हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है। सद्दाम जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम जी, मेरे पास अडानी विल्मर के 32 क्या सवाल है आपका? अडानी विल्मर के 32 सेल है, 775 के रेट पे। किस भाव पे खरीदे? 775 के भाव पे खरीदे मैम। 775, तो ये तो आपने बिल्कुल मेरे ख्याल से ये तो एक साल से भी पहले की खरीदारी होगी फिर आपकी, क्योंकि 52 वीक हाइज 20 के 750 के आसपास के बिल्कुल पीक पे खरीदा आपने ये स्टॉक। हैवी लॉसेस हैं आपको। जी जी, क्या करना चाहिए, क्या करें आस्था इस स्टॉक में, क्या सजेशन? बहुत लॉसेस हैं अडानी विल्मर में। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने शायद स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तभी इतना बड़ा नुकसान इन्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी भी जो चार्ट्स में ट्रेंड है वो तो नेगेटिव ही बना हुआ है। तो आज के सेशन में थोड़ा सा एक फ्लैट क्लोजिंग हुआ है, लेकिन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। एक स्टॉप लॉस लगा लें अपनी पोजिशन में, लेकिन अगर वो ट्रिगर होता है तो मैं निकलने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस जो तकरीबन लगेगा वो 250 के स्तर पर लगेगा, तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजिशन में बैठ जाए, लेकिन ट्रिगर हो तो एग्जिट करें क्योंकि अभी ये और भी वीकनेस दिखा सकता है। मेरे हिसाब से एग्जिट करना ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, तो एग्जिट कर ले अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। उसकी जगह चाहे तो वरुण बेवरेजेस अच्छा लगता है, तो वहां पे एक कॉल ली जा सकती है। वरुण बेवरेजेस में खरीदारी की जा सकती है। जिंदल सौ, KPIT टेक्नोलॉजीज, 3-4 स्टॉक्स काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, तो वहां पे एक पोजिशन बना लें और यहाँ पे अभी होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो एग्जिट करने की सलाह है। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आपके लिए, एग्जिट करने की सलाह है, उसकी जगह वरुण बीवरेजेस ऐड कर सकते हैं। सत्यनारायण जोधपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। सत्यनारायण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं सत्यनारायण जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। नमस्कार मैम, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? मैडम मेरे पास में NTPC के 500 शेयर है, 174 के प्राइस पे मैंने लिए थे मैम। ओके, 174 की बाएंगे, और आपका होराइजन क्या है, ये इन्वेस्टमेंट का व्यू है आपका इसमें? मैडम इन्वेस्टमेंट का व्यू है। क्या करें आस्था, लेने हैं प्रॉफिट से होल्ड रखें एनटीपीसी? मुनाफा तो अच्छा हो रहा है 80 रुपए के आसपास का पर स्टॉक, क्योंकि 174 की बाएंगे।
देखिए अभी भी तेजी में लगता है ये काउंटर, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म व्यू ही यहाँ पे रखा है, तो होल्ड करा जा सकता है 225 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 225 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बने रहे। इनिशियली मुझे लगता है 275 से 280 तक के लेवल ये काउंटर में दिखाता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद भी हो सकता है ये और तेजी में रहे, तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें 225 का, किसी भी वजह से ट्रिगर हुआ तो भी मुनाफे में ये निकलेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी भी अपसाइड और हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए बने रहने की सलाह है। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर की और सवाल ले लेते हैं। और क्वेश्चन अगला पूछने के लिए राजीव है मुंबई से। राजीव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास IOC के एट द रेट ऑफ 99 के शेयर थे 10,000 क्वांटिटी, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 44.9 के 10,000 क्वांटिटी। और मेरा नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, एटलीस्ट मैं 3 to 5 इयर्स तक वेट कर सकता हूँ। मुझे बस ये इस बात का डर है कि ये कुछ कोई भी रीजन या न्यूज के लिए ज्यादा नीचे ना गिर जाए, तो प्लीज सलाह दीजिए। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। बताइए क्या स्ट्रैटेजी इनके लिए आप रेकमेंड करती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 2-3 स्टॉक्स का इन्होंने नाम लिया, क्या करें इन सभी होल्डिंग्स में? कुछ इनके बाइंग प्राइस के आसपास हैं, कुछ स्टॉक्स में इनको थोड़ा सा फायदा हो रहा है, क्या करें? देखिए IOC में इनको अभी भी फायदा हो रहा है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक और भी अच्छी तेजी दिखाना चाहिए। मोस्टली 108 से लेके 113 तक के स्तर ये दिखाता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में, तो मैं वहां पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो ये कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस रख लें, किसी वजह से ट्रिगर भी होता है तो इनको नुकसान नहीं होगा, तो थोड़ा स्टॉप अपनी कॉस्ट के आसपास का स्टॉप लॉस रख के IOC को होल्ड करें। 108 का पहला लक्ष्य, 113 का दूसरा लक्ष्य। दूसरा सवाल इनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये काउंटर अभी थोड़ा सा और तेजी में आने के लिए इसे एक लेवल पार करना जरूरी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, वो है 50। अगर 50 का स्तर ये पार कर लेता है यहाँ से 5 रुपए ऊपर, तो फिर बढ़िया तेजी आएगी। तो अभी तो इस काउंटर में भी बने रहे, लेकिन ये काउंटर बहुत जल्दी तेज नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें पेशेंटली होल्ड करें। स्टॉप लॉस चाहे तो ये रख सकते हैं तकरीबन 41 के लेवल पे, सो 41 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को होल्ड करें। 50 के ऊपर निकला तो फिर ये बढ़िया तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा, जो इसको फर्दर यहाँ से प्राइसेस को ड्राइव करेगा तकरीबन 60 के आसपास। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ। ओके जी, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। शैलेंद्र दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शैलेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। यस मैम, मेरे पास 500 शेयर्स हैं CG पावर के, एट द रेट 40 पे खरीदे हैं, अभी 450 तक ही गया था, तो अभी इसके लिए क्या सलाह है? एक टाटा मोटर है मेरे पास अराउंड 250 शेयर्स एट द रेट 200 रुपीज पे, तो दोनों के लिए क्या सलाह है मेरी? ओके, तो दोनों स्टॉक्स में जबरदस्त फायदा हो रहा है आपको शैलेंद्र जी, कंग्रेचुलेशंस। CG पावर मुझे याद है 2020 में इसका ये प्राइस होता था, 20 रुपए के नीचे भी ये स्टॉक गया जब मुरुगप्पा ग्रुप ने इसे एक्वायर किया था, और तब से क्या जर्नी रही है इस स्टॉक की, जोरदार प्रॉफिट्स दिए हैं, और आज तक इस स्टॉक में कोई बहुत बड़े डिप्स भी नहीं आए इस लगातार रनअप के बावजूद भी, छोटे मोटे करेक्शंस आए जो कि एंट्री लेने के हिसाब से सही रहे, लेकिन शानदार प्रॉफिट्स में है ये। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स 200 रुपए की खरीदारी है, दोनों पर आपके सजेशंस लेने हैं, प्रॉफिट्स अभी भी होल्ड रखें? देखिए CG पावर में तो बने रहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की इसमें चाल रही है, आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत बड़ा डिप आया नहीं है, उस स्टॉक की मजबूती दर्शाता है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए CG पावर को, स्टॉप लॉस तकरीबन 350 के स्तर का लगाइए ऊपर में, मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़िया तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। एक बार अगर इसने 420 का लेवल पार किया तो 450 और उसके बाद 500 तक के भी लेवल्स ये काउंटर हमें दिखाता हुआ नजर आएगा, सो मैं बने रहने की सलाह दूंगी 350 के स्टॉप लॉस के साथ। 420 का अगर स्तर पार होता है तो 450 से 500 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा सवाल इनका टाटा मोटर्स पे था। टाटा मोटर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाटा मोटर्स भी बढ़िया लॉन्ग टर्म कैंडिडेट लगता है, होल्ड भी करना है इस काउंटर को, बने रहिए। अभी इनिशियली जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 740 का लगता है, 740 के टारगेट के लिए अभी तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस 620 के स्तर पे रखें। ओके चलिए, तो ये रही सजेशन आपके लिए, दोनों ही स्टॉक्स पर होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस मेंटेन करें। धनंजय हैं अगले कॉलर। धनंजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका।
मैडम मुझे HDFC AMC और अमर राजा बैटरीज CDSL इनका जाना था. मैं लॉन्ग टर्म के लिए, मेरे लिए मतलब टाइम कोई इशू नहीं है, मैं इसको 5 से 10 साल रख सकता हूँ आसानी से. और मैंने इसको इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने क्वांटिटी वगैरह व्हाट्सएप करी थी. एक बार मैं फिर से देख के बता देता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ मार्केट में. मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ. मैं आपके दो स्टॉक्स पर ले लेती हूँ. एक तो CDSL जहाँ 940 की बाइंग है, ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट्स में आज था, 5-10 साल अभी भी रुक सकते हैं. HDFC AMC 1920 की बाइंग है. कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, दोनों स्टॉक्स पर क्या सजेशंस? देखिए सबसे पहले HDFC AMC की बात करें, बढ़िया लेवल पे खरीदा हुआ है, बने रहे 2690 के स्टॉप लॉस के साथ. और क्योंकि 1920 की स्तर है तो कोई दिक्कत लगती नहीं है, 2690 का स्टॉप लॉस लगाएं, 2920 का पहला टारगेट है. और उसके बाद मुझे लगता है कि ये काउंटर और बढ़िया तेजी हमें दिखाता हुआ नजर आएगा, जो इसको ड्राइव करेगी 3000 के स्तर तक, 3000 से लेके 3100. लेकिन ये मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स दे रही हूँ, तो बिल्कुल बने रहना है इसमें स्टॉप लॉस के साथ. दूसरा सवाल CDSL पे था. CDSL की बात करें तो CDSL भी बहुत बढ़िया लग रहा है तेजी में, इसमें भी बने रहा जा सकता है, स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1560 के स्तर पे. और इसमें जो टारगेट्स मुझे लगता है देखने को मिलेंगे वो तकरीबन रहेंगे 1900 के. सो अभी तो इनिशियली ये मैं टारगेट्स दे रही हूँ, इसके बाद और भी टारगेट्स आगे एक्सटेंड किए जा सकते हैं. तो दोनों में ही बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स दोनों के अभी भी अच्छे लग रहे हैं. ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से. और सवाल पूछने के लिए अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं विपिन, और ये कनेक्टेड है अमृतसर से. विपिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मैं आई एम होल्डिंग 3000 शेयर्स ऑफ SCC एंड IFCI 3000 सिंस लॉन्ग. So what should I do? Should I hold or sell it now? HCC में आपका खरीदारी का प्राइस क्या है? HCC में 65 है. और 55. IFCI 90 और HCC 50. ठीक है. तो IFCI में तो काफी नुकसान आपको हो रहा है, 65 रुपए पर स्टॉक के आसपास का, चला भी नहीं है ये स्टॉक. और HCC में भी आप लॉसेस में ही हैं. क्या करें आज सर दोनों स्टॉक्स में? देखिए IFCI तो मुझे लगता है बहुत पुरानी इनकी खरीद है, क्योंकि ये जो भाव बता रहे हैं ये तो बहुत साल पहले मेरे हिसाब से 2008 या 9 की बात होगी, तब देखने को मिलते थे IFCI में. सो अभी तो थोड़ा सा तेजी में आना चालू किया है इसने, इसलिए अभी ना निकले, लेकिन ऊपरी स्तर पे निकलने का प्रयास करें. अभी पोजीशन को कंटिन्यू करें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन रखना है 20 का. लेकिन ऊपरी स्तरों पे एक बार मुझे लगता है यहाँ से ये 34 से 35 रुपए तक जाने की क्षमता रख सकता है. सो IFCI में अभी तो ना निकले, एक बार 34-35 के आसपास आए तो वापस पोजीशन को रिव्यू करवा लें, 20 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें. दूसरा सवाल इनका HCC में था. HCC की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर भी अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने इतने लंबे टाइम से यहाँ पे इसमें पोजीशन बनाई है, तो अभी इसमें भी होल्ड करना चाहिए. 30 के आसपास ये काउंटर अभी चल रहा है, इसमें भी होल्ड करेंगे. और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 33 से लेके 35 के. HCC का चार्ट थोड़ा रिलेटिवली बेटर लग रहा है. कल अगर ये किसी भी वजह से 31-32 के ऊपर क्लोज दे देता है तो मुझे लगता है फिर ये 35 से 38 तक के लेवल्स दिखाएगा. इनिशियली मैं ये टारगेट्स दे रही हूँ, होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ तकरीबन 28 के स्तर पर. ओके, बात करेंगे अगले कॉलर से. अनिमेश है हमारे साथ, अनिमेश चक्रवर्ती. अनिमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम. मैम मेरे को एक्चुअली दो शेयर्स के बारे में जानना था जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वेरी रिसेंटली. मैंने एक REC लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, 150 शेयर्स खरीदे एट 265, और HAL खरीदा है 1875 में अप्रोक्सीमेटली 50 शेयर्स. तो मेरे को इसमें जानना था कि अभी नेक्स्ट और इन्वेस्टमेंट REC में करना चाहिए, क्योंकि करेंटली REC 333 पे ट्रेड कर रहा है, या फिर वेट करना चाहिए एक डिप का. मैं और 350 टू 400 शेयर्स सोच रहा हूँ, और सिमिलर HAL के लिए भी सजेशन चाहिए. 1850 के आसपास के बाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, REC में बाएंगे अलग अलग लेवल्स पे, लेकिन और ऐड करने का भी प्लान कर रहे हैं. क्या सजेशन आस्था? 265, 333, ये दो लेवल्स के अलग अलग बाइंग इन्होंने की हुई REC में. क्या करें दोनों होल्डिंग्स में?
देखिए आरईसी में अभी ना खरीदारी करें, थोड़ा डिप आता है जो कि इन्होंने भी बोला है 300 के आसपास, वहां पे खरीदारी करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, तो 300 के आसपास खरीदें, स्टॉप लॉस पर उसमें जो रखेंगे वो 255 का रखेंगे, अगर 300 के आसपास लेते हैं तो इतना बड़ा फिर स्टॉप लॉस रहेगा 255 का, और इसमें जो टारगेट्स फिर हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 360 से 370 के रहेंगे, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ जाना है, अभी नहीं खरीदना है, 300 के आसपास खरीदना है। दूसरा सवाल इनका HAL पे था, हिंदुस्तान एनोटिक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे हिसाब से ये काउंटर भी अच्छी तेजी में आना चाहिए, और अगर कल के सेशन में इसने 2200 के ऊपर या फिर 2160 के ऊपर का भी क्लोज दिया तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया तेजी में हमें काउंटर मिलेगा, और फिर इसमें हमें 2350 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। इसमें चाहे तो थोड़ा सा डिप आता है अराउंड द लेवल ऑफ 2050, यानी कि यहाँ से 50-70 पॉइंट नीचे, तो वहां पे खरीदारी कर ले 2050-2060 के आसपास, उसमें फिर स्टॉप लॉस 1800 का रखें और टारगेट 2300 का रखें। ओके चलिए, तो ये सजेशन रहे आपके लिए दोनों होल्डिंग्स पर। शरद कुलकर्णी बैंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड है। शरद गुड इवनिंग, बताइए सवाल। या गुड इवनिंग, मेरे पास BSE का 30 शेयर है एट 309, मेरे को क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, थोड़ा सजेशन चाहिए था। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है और शानदार प्रॉफिट्स में है BSE लिमिटेड, 2017 पर ट्रेड कर रहा है लाइफ टाइम हाईस पर, क्या करें आज से स्टॉक में, अब ले लें प्रॉफिट्स, रखें भी क्योंकि काफी ज्यादा ये तेज हो गया और अपने मूविंग एवरेजेस से काफी दूर भी निकल गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे आए मूविंग एवरेजेस को टच करने के लिए, तो मेरे हिसाब से कुछ पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें लेकिन कंप्लीटली नहीं करना है, जस्ट ऑन द सेफर साइड 1/4 ऑफ पोजीशन में प्रॉफिट करें लेकिन 3/4 को पोजीशन को होल्ड ही रखना है, स्टॉप लॉस रहेगा 2100 का और टारगेट इसमें जो अब देखने को मिल सकता है वो तकरीबन 2500 का रहेगा। ओके, गुरदीप हैंगले कोरा हमारे साथ, गुरदीप दिल्ली से, गुरदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। मेरा अच्छी दो शेयर्स पे सवाल था, एक BHEL जो मैंने 300 क्वांटिटी लिया हुआ है 51 रुपीज की प्राइस पे, और दूसरा है L&T जो मैंने 1000 रुपीज के प्राइस पे लिया है 100 शेयर। 1000 रुपीज के प्राइस पर है 100 शेयर्स, ठीक है। आस्था, दोनों स्टॉक्स में शानदार प्रॉफिट्स में है, L&T 3000 पर आ चुका है, भेल भी इनकी सिर्फ 51 रुपए की बाइंग है, रखें तो कहाँ स्टॉप लॉस रखें दोनों स्टॉक्स में, पहले तो इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, और अगर होल्ड भी करते हैं तो अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रही हैं? देखिए सबसे पहले BHEL की बात करें, बिल्कुल रखना है इसे, स्टॉप लॉस 117 का लगाना है, 117 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को कंटिन्यू रखना है, यहाँ पे जो टारगेट अब हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 150 से 160 के रहेंगे, सो कंटिन्यू करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा सवाल L&T पे था, L&T भी होल्ड रखना है, मैं सिर्फ स्टॉप लॉसेस इनको कोई भी पोटेंशियल डाउनफॉल से बचाने के लिए ही दे रही हूँ, बाकी है ये दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और बने रहने की ही सलाह है। L&T में 2850 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, इसमें जो अब नेक्स्ट टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 3200 से 3300 के रहेंगे, 3200 से 3300। चलिए होल्ड करेंगे, सलाह है, टारगेट से आपको बताए गए हैं, स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किए गए हैं दोनों ही होल्डिंग्स में। एक ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस को, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार, आस्था है, आप एक बार इसको आंसर करने के लिए ट्विटर से सवाल ले लेते हैं। पहले स्वप्नल ने बारामती से सवाल भेजा है, नाइका पर 200 शेयर्स 180 की बाइंग है, एक साल का व्यू है, जानना चाहते हैं क्या टारगेट्स हो सकते हैं। देखिए इनिशियली तो मुझे लगता है कि 200 तक के टारगेट्स यहाँ पे ये रख सकते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करें पोजीशन को 200 के टारगेट्स के लिए, थोड़ा लंबा रुकना पड़ सकता है, स्टॉप लॉस रहेगा 137 का। मनील एक सवाल भेज रहे हैं, रिलायंस पर सवाल है, 2391 की बाइंग है, 40 शेयर्स हैं, ICICI बैंक है 760 की बाइंग है, 30 शेयर्स है, दोनों में ही 6 मंथ्स का व्यू है। रिलायंस में 6 मंथ्स का व्यू है तो होल्ड करना है, इसमें जो पॉसिबल टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 2630 के इनिशियली रहेंगे, और स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो ये अपना पोजीशन पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2210 का। दूसरा सवाल इनका ICICI बैंक पे था,
आईसीआईसीआई बैंक की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 6 महीने का व्यू है, बने रहेंगे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 890 का आ रहा है, 1008 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 1100 के लेवल्स हमें आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये राय है आपके लिए दोनों स्टॉक्स पर। रिलायंस के लिए डिस्क्लोजर भी आप दे दें, जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, वो नेटवर्क 18 के अंदर आता है और नेटवर्क 18 टीवी 18 को स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। सवाल लेते हैं प्रवीण का, दिल्ली से भेजा है प्रवीण तिवारी ने। मॉइल पर 150 स्टॉक्स हैं, 265 बाइंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है, फेसबुक के थ्रू ये क्वेश्चन मिला है, क्या करें आस्था? देखिए 265 इनकी बाइंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के आसपास चल रहा है, बने रहे, स्टॉप लॉस चाहे तो ये रख सकते हैं अपनी पोजीशन में 220 के स्तर पे। इनिशियली जो इसमें टारगेट रहेगा वो 285 का रहेगा, लेकिन अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो मुझे लगता है फिर बढ़िया तेजी इसमें हमें देखने को मिलेगी, जो इसको 300 से लेके 315 तक ड्राइव करेगी। सो बने रहना है अपने पोजिशन में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक और सवाल है इनका, एनएमडीसी पर है, यहाँ 170 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। एनएमडीसी 170 की बाइंग है, होल्ड कर ले, स्टॉप लॉस लगा ले 140 का, और इसमें जो टारगेट रखा जाएगा वो तकरीबन रहेगा 200 के आसपास का। ओके, प्रेम एक सवाल भेज रहे हैं और सवाल इनका है, अतुल ऑटो पर 697 की बाइंग है, 1 ईयर का व्यू है, क्या सजेशन? 1 ईयर का व्यू है तो होल्ड करना है, इनिशियल टारगेट्स मैं अभी दूंगी, 1 ईयर में तो और भी बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। होल्ड पहले जो रखेंगे वो सब तकरीबन स्टॉप लॉस के साथ रखेंगे, जो कि आ रहा है 600 का, तो 600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, इनिशियली टारगेट इसमें 720 तक का रह सकता है। ओके, चलिए तो ये सलाह है आपके लिए, अतुल ऑटो पर होल्ड करने की सलाह है, ऑल्दो जो क्लोजिंग हुई वो आपके बाइंग प्राइस के नीचे ही हुई है, तो थोड़ा सा नुकसान आपको फिलहाल हो रहा है। चलिए इतने सवाल लेंगे आस्था, शुक्रिया शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस में हो सकता है इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो। धन्यवाद, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। इसी के साथ शो में तो इतना ही, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।